नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पावर सब स्टेशनों का होगा डेवलपमेंट कार्य। बिहार नीट 2022 आवेदन फॉर्म जारी। बिहार में टूट रही है जाति की दीवार। छठ घाटों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश। बीसीसीआई ने की बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पावर सब स्टेशनों का होगा डेवलपमेंट कार्य। भागलपुर व बांका में पावर सब स्टेशनों का डेवलपमेंट कार्य होगा। बिजली कंपनी की ओर से कार्य योजना बनाई गई है और इसको स्वीकृति भी मिल चुकी है। बता दें कि भागलपुर जिले में नाथनगर व भदेर एवं बांका में शुभगंज व बांका पावर सब स्टेशन का डेवलपमेंट कार्य होगा। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगी। पावर सब स्टेशन के क्षेत्र से जुड़े इलाकों को निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। डेवलपमेंट कार्य पर 34.63 लाख रुपए खर्च होंगे। यह काम ठेका एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर व बांका जिले के पावर सब स्टेशन के डेवलपमेंट कार्य के लिए ठेका एजेंसी ने 19 नवंबर तक बहाल होगी। यानी भागलपुर जिले के पावर सब स्टेशन के डेवलपमेंट कार्य के लिए 16 नवंबर और बांका जिले के कार्य के लिए 19 नवंबर को टेंडर खोला जाएगा। ड्यूटी पर गैर हाजिर डॉक्टरों को भेजा गया नोटिस। पटना जिले में ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले 30 डॉक्टरों को स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया है। बता दें कि राज्य के कई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को 15 दिन में जवाब देने का समय दिया गया है। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर विभागीय कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बीते गुरुवार को तेजस्वी यादव ने पटना के NMCH अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई अनियमितताओं को देखा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री काफी नाराज दिखे थे। वो वहां डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए की गई व्यवस्था को देखने गए थे। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने कार्रवाई करते हुए NMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों के साथ डॉक्टर, नर्स व कर्मियों को बेहतर व्यवहार करने का निर्देश भी दिया था। जिसके बाद राष्ट्रीय IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने तेजस्वी यादव की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। 30 लाख मीट्रिक टन उसना चावल खरीद का लक्ष्य। बिहार सरकार खरीफ मौसम में 1 नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद शुरू करेगी। इस बार भी बीते वर्ष की तरह 45 लाख मीट्रिक टन धान और 30 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। चावल में इस बार उसना की खरीद ज्यादा करने की योजना बनाई गई है। पिछली बार 33% उसना चावल की खरीद हुई थी। अब की बार इसमें करीब 2 गुना उसना चावल मिलों से लेने की योजना बनाई गई है। साथ ही इस बार भी 45 चावल खरीदने पर जोर होगा। राइस मिलों को चावल का अंतिम ऊपरी नहीं हटाने की सलाह दी जाएगी ताकि उसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों को नुकसान नहीं हो। कूच बिहार ट्रॉफी के लिए पटना के खिलाड़ियों की सूची जारी। BCCI द्वारा आयोजित किए जाने वाले कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 मेंस स्टेज टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बिहार टीम के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले पटना जिला के प्लेयरों को लिस्ट जारी कर दिया गया है। लिस्ट जारी करते हुए पटना जिला क्रिकेट संघ के तदर्थ समिति के संयोजक राजेश कुमार और सदस्य रहबर आबदीन ने बताया कि सिलेक्शन ट्रायल में पटना की ओर से 12 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। बता दें कि पटना की ओर से जिन खिलाड़ियों के नाम का चयन किया गया है उनमें रंजन कुमार, विराट पांडे, राहुल रत्न, अभिनव सिंह, आदित्य शिवम, सिमुक कुमार, शिवम गौतम, हर्षराज, उत्कर्ष कुमार, उज्जवल कुमार, साहिल आनंद, गुलशन कुमार शामिल हैं। बिहार नीट UG 2022 आवेदन फॉर्म जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने 14 अक्टूबर को बिहार नीट UG 2022 आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। जो नीट UG 2022 क्वालिफाइड है वे bcecebord.bihar.government.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बिहार नीट UG 2022 प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रात 10 बजे है। बिहार नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी शैक्षणिक डिटेल भरनी होगी। बता दें कि पंजीकरण के आधार पर बिहार नीट 2022 के तहत राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में लगभग 1151 MBBS और 243 BDS सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। छठ घाटों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के लिए सबसे बड़ा त्यौहार छठ महापर्व है, इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार पटना के कई घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने जिन घाटों का निरीक्षण किया है उनमें नासरीगंज घाट, पटना सिटी घाट, भद्र घाट, महेंद्र घाट सहित कई घाटे शामिल है। बता दें कि सीएम नीतीश ने घाटों पर सुगम रास्ता, लाइट, साफ सफाई और जल स्तर को लेकर भी निरीक्षण किया है। इसके साथ ही
उन्होंने इसको लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि छठ घाटों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, साथ ही जलस्तर को देखते हुए नेट की भी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में टूट रही है जाति की दीवार। बिहार में मोहब्बत करने वाली अपनी पसंद के आगे जाति की दीवार को तोड़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी आंकड़े से की गई है। विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार अंतरजातीय विवाह या दिव्यांग महिला पुरुष के साथ विवाह करने वाले योजनाओं में 2021 से 22 में 565 लाभार्थियों को 1 लाख का अनुदान दिया गया है। 2021 से 22 में इसके लिए 7.27 करोड़ का बजट तय किया गया था, जिसमें से 5.62 करोड़ रुपए लाभार्थी को दिए गए, जबकि 2022 से 23 में अब तक 401 लाभार्थी को अनुदान दिया गया है। 2022 से 23 में इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 4.1 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। ऑनलाइन ठगी गिरोह के 7 सट्टेबाज गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि बसनही थाना की पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने एक 4-चक्का वाहन, आधा दर्जन मोबाइल, 2 लैपटॉप और कई कागजात जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 युवक बसनही थाना क्षेत्र के जमुनिया गाँव का रहने वाला है। बताते चले कि एसपी लिपि सिंह के द्वारा बताया गया है कि ये सभी सट्टेबाज ऑनलाइन गेम टीम पत्ता, हॉकी, क्रिकेट और चुनाव के समय एग्जिट पोल में सट्टेबाजी करते थे। जदयू ने किया साफ, बीजेपी ला रही भ्रम। जदयू के प्रदेश सचिव एवं दरभंगा जिले के संगठन प्रभारी रंजीत कुमार झा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे सही बताया था, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अलग अलग पड़ चुकी भाजपा अपनी राजनीति जमीन पर खिसकने से घबरा रही है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबंध में समाज में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रही है, जबकि श्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग के अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन आरक्षण विरोधी भाजपा के इस भ्रम फैलाने की कोशिश को अति पिछड़ा समाज के लोग भली भांति समझ रहे हैं। भाजपा समाज में भ्रम फैलाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बोधगया आएंगे सांसद राजीव प्रताप रूड़ी। महाराणा विचार मंच की बैठक बीते दिन शुक्रवार की शाम शीश महल में हुई। बैठक में सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के विजन बिहार एजेंडा 2025 के बारे में चर्चा किया गया। सांसद प्रतिनिधि विनोद सम्राट द्वारा इस मुद्दे पर संक्षिप्त में जानकारी दिया गया। बिहार प्रदेश के विकास पर भी चर्चा की गई थी। महाराणा विचार मंच के मीडिया प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि दृष्टि बिहार विजय 2025 के तहत सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का कार्यक्रम 17 अक्टूबर को सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में रखा गया है। वे जनसंवाद को संबोधित करेंगे। बैठक की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने की। जनार्दन सिंह, प्रवीण कुमार सिंह व ब्रजभूषण सिंह चौहान इत्यादि बैठक में शामिल थे। गब्बू सिंह की अकूत संपत्ति का खुलासा। बड़े बिल्डर और होटल मालिक के साथ ही जदयू नेता गब्बू सिंह की आयकर छापेमारी के दौरान अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी समेत दूसरी अनियमितताओं के मामले को लेकर आयकर विभाग द्वारा गब्बू सिंह के गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के अलावा गब्बू सिंह की एनसीआर, गाजियाबाद और नोएडा में भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसमें जमीन के प्लॉट से लेकर अपार्टमेंट तक शामिल है। अब तक की छापेमारी में आयकर विभाग की टीम को 50 लाख नगद के अलावा कई दूसरी चीजें मिली हैं। इनमें लाखों रुपए के आभूषण और बड़ी संख्या में निवेश के कागजात भी शामिल है। बड़ी मात्रा में मिले आभूषणों का मूल्यांकन आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। AIMIM प्रत्याशी पर लगा आरोप। बिहार उपचुनाव 2022 को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। बता दें कि गोपालगंज का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां भाजपा और राजद के साथ ही बसपा और AIMIM भी मैदान में है। AIMIM ने अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने बीते दिन शुक्रवार को नामांकन किया, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी एक गलती निर्वाचन आयोग ने पकड़ ली। AIMIM उम्मीदवार अब्दुल सलाम पर बिना अनुमति के शुक्रवार को नामांकन जुलूस निकालने का आरोप लगा है और उन पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गोपालगंज में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस विधानसभा उपचुनाव में यहां से कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। अब स्क्रूटनी के बाद मतदान 3 नवंबर को किया जाएगा। पर्व के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। भाजपा के बिहार प्रभारी मनोनीत होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों से अलग अलग मुलाकात की। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व मंत्री जनक राम, प्रेम कुमार व नंद किशोर यादव से बातचीत भी की। दूसरी पाली में भी कोर ग्रुप के अन्य कई सदस्यों से मुलाकात हुई। नवल किशोर यादव, राजेंद्र गुप्ता, सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा से गुफ्तगू की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तावड़े का यह दौरा
द्वारा विशुद्ध रूप से कोर ग्रुप सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से औपचारिक तरीके से परिचय व संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी चर्चाओं को लेकर है। माना जा रहा है कि कार्यकाल पूरा कर चुके संजय जायसवाल की जगह पार्टी पर त्योहार के बाद नए नाम की घोषणा कर सकती है। बीसीसीआई ने की बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा। भारत ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने फाइनल 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद समी को जसप्रीत बुमराह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। दरअसल जसप्रीत बुमराह पीठ की इंजरी के चलते टी20 विश्व कप 2022 से बाहर हुए हैं। समी का नाम स्टैंडबॉय में पहले से ही शामिल था, लेकिन बुमराह की जगह अब उनको मेन स्क्वाड में शामिल किया गया है। बता दें कि शमी के अलावा मोहम्मद सिराज और दीपक चहर भी रेस में थे। हालांकि बाद में दीपक चहर भी इंजरी के कारण बाहर हो गए। उनकी जगह टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को शामिल किया था। पूरे बिहार में आज तेल के दाम। बिहार में शनिवार 15 अक्टूबर यानी कि आज पेट्रोल डीजल की कीमत जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम में 39 पैसे और डीजल में 46 पैसे की कमी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 109.17 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.28 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.56 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 38 पैसे और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गया, भागलपुर, बक्सर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, मधुबनी, रोहतास, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। सबसे ज्यादा गिरावट सिवान में देखने को मिली है। यहां पेट्रोल में 54 पैसे और डीजल में 51 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद जामिल अख्तर, राकेश शर्मा, सबा जफर, रंजीत मिश्रा, कुलदीप कुमार, शंकर मुखिया, नुनू कुमार, सरिता पासवान, विद्यासागर यादव, राबिया बाश्री, मुतुल रंगीला, पवन सिंह, भान प्रकाश मौर्य, राजेश कुशवाहा, उमेश ऋषिदेव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में छठ को लेकर प्रशासन की ओर से किन चीजों की व्यवस्था की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।